Hello dear learners, how are you? And you are once again welcome to my online channel Learning Platform by PPZ. दोस्तों आज का एक टॉपिक लेके आए हैं जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और वो होगा कुछ इम्पोर्टेंट जॉइंट एक्सरसाइज जिसे कहते हैं संयुक्त युद्ध अभ्यास। तो अक्सर आपके एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस एक्सरसाइज का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कहाँ हुई या ये थल सेना आर्मी से संबंधित है, एयरफोर्स से है, नेवी से है, या ये किन देशों के बीच में हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर ट्रेंड बना है एग्जाम में आते हैं, तो उसी को लेकर आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, संयुक्त युद्ध अभ्यास ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और करीबन मैं 25 आपको ऐसी एक्सरसाइज करा रहा हूं 2019 जो बीते वर्ष हैं हुई हैं और 2020 में भी होने वाली होंगी या हुई है, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं जॉइंट एक्सरसाइज, तो संयुक्त युद्ध अभ्यास को लेकर। तो पहला ही जो युद्ध अभ्यास है वो है इंद्र अभ्यास। पहला जो है वो है इंद्र अभ्यास, ये नाम है इस अभ्यास का और इंद्र अभ्यास टाइटल है 2019, ये इस एक्सरसाइज का नाम है। और ये किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और रूस, भारत और रूस के बीच में है, भारत व रशिया, इन दोनों देशों के बीच में ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखना मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये तीन जगह पर हुई है, एक तो झांसी, दूसरा पुणे और तीसरा गोवा। झांसी पुणे और गोवा, ठीक है दोस्तों। तो ये है पहली एक्सरसाइज इंद्र अभ्यास 2019। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा जो है उस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। ये भी बीते वर्ष ही हुआ था एक्सरसाइज 2019। तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये नेपाल और भारत के बीच में, किन दो देशों के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है, तो ये है भारत व नेपाल, इन दोनों देशों के बीच में है सूर्य किरण, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ध्यान रखिएगा। और ये नेपाल में ही हुई है, नेपाल में है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मिलन, तीसरा हमारे पास होगा, ये होगा मिलन 2020, 2020 में हुआ है मिलन। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये नौसेना अभ्यास है और ये क्या है, बहुपक्षीय, बहुत से देशों ने इस पर क्या किया है, यहां पर पार्टिसिपेट किया है, तो मल्टी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस जॉइंट एक्सरसाइज। और इसका जो आयोजन हुआ है वो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। और कैसी है ये, तो ये एक नौसेना युद्ध अभ्यास है, नेवी को लेकर जो है जॉइंट एक्सरसाइज है, ये विभिन्न देशों के बीच में, इसे बहुपक्षीय नाम यहां पर दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, और ये है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। देखिएगा हैंड इन हैंड ये दो देशों के बीच में है और थल युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया भारत और चीन, इन दोनों देश के बीच में ये अभ्यास है। और इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में इसका आयोजन किया गया है। और ये भी क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास है। उसके बाद हम आते हैं अपने
पांचवे अभ्यास की ओर और ये है मित्र शक्ति सेवंथ और ये दो देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, और इसका आयोजन पुणे में किया गया है। मित्र शक्ति और जो टाइटल है वो है सेवंथ, सातवां संस्करण है ये भारत व श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज है, ठीक है दोस्तों। और इसका आयोजन हुआ है पुणे में इसका आयोजन किया गया है और ये कैसी है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास है। तो इस तरीके से पहले पांच जो मैंने आपको ज्वाइंट एक्सरसाइज कराई है, ये उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई है। आगे अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर, जो छठी जो हमारे पास आती है एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहां पर, वो कौन सी है। तो ये देखिएगा, बात कर रहे हैं सिक्स एक्सरसाइज की और ये है जायर अल बहर, जायल, देखिएगा जायल अल बहर, बहर ये भी ज्वाइंट एक्सरसाइज है, लेकिन ये किन दो देशों के बीच में है, ये भारत और कतर के बीच में है। किसके बीच में है ये, भारत व कतर, ये खाड़ी देश है कतर, इन दो देशों के बीच में है। और ये इसका आयोजन कहां हुआ है, तो कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया है। और ये नेवी नौ सेना युद्ध अभ्यास है दोनों देशों के बीच में, भारत और कतर के बीच में। उसके बाद हम आते हैं अपनी सातवीं एक्सरसाइज पर जो चर्चा में रही है और ये है टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप 2019, ये भारत इंडो एंड यूएस, भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है और ये थल सेना है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये दोनों देशों के बीच में। और इसका जो आयोजन किया गया है वो हुआ है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास है। उसके बाद हम आते हैं अपने आठवीं एक्सरसाइज पर और ये है डस्ट लिंक 2019, डस्ट लिंक, ये देखिएगा डस्ट लिंक 2019। अब ये जो एक्सरसाइज है डस्ट लिंक, ये भी थल सेना अभ्यास है और ये दो देशों के बीच में है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और ये भी कैसी है, अभी मैंने बताया है थल सेना अभ्यास है और इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में ही किया गया है, इसका आयोजन भी कहां हुआ है, उज्बेकिस्तान में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर और ये है नवी जो है समुद्र शक्ति 2019, समुद्र शक्ति 2019, ये दो देशों के बीच में है, भारत व इंडोनेशिया, इन दो देशों के बीच में क्या है, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है। और इसका जो आयोजन हुआ है ना वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। और ध्यान रखना ये जो एक्सरसाइज है ये नेवी एक्सरसाइज है, नौसेना युद्ध अभ्यास है। तो इसी के साथ नौ ज्वाइंट एक्सरसाइज हमने यहां पर डिस्कस कर ली है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अपनी दसवीं एक्सरसाइज को लेकर जो चर्चा में रही है, तो ये कौन सी है उस पर हम आते हैं, शक्ति 2019, कौन सी है शक्ति, ये टाइटल है,
शक्ति 2019, शक्ति 2019, ये भारत और फ्रांस के बीच में है और थल सेना अभ्यास है। इंडिया, भारत व फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में, दोनों ही देशों के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज है शक्ति 2019, और इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसी है, ये भी जो है जॉइंट एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है धर्म गार्जियन 2019, धर्म गार्जियन 2019, ये दो देशों के बीच में हुई है और ये है इंडो, भारत और जापान, भारत और जापान के बीच में गार्जियन, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है, और ये भी थल सेना है, और इसका जो आयोजन हुआ है वो भारत में हुआ है, भारत के मिजोरम में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, और ये है 12वीं जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2019। वज्र, ये दो देशों के बीच में, किस किस के बीच में है, एक तो भारत इंडो और दूसरा अमेरिका, दोनों ही देशों के बीच में है वज्र प्रहार, और ये अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है, यूएसए में, और ये भी थल सेना एक्सरसाइज है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 13वीं एक्सरसाइज पर, और वो है नॉमेडिक एलिफेंट, देखिएगा नॉमेडिक, वैसे इंग्लिश का वर्ड है नॉमेडिक, नॉमेडिक होते गवाले, जो चारागाह चराते हैं पशुओं को, नॉमेडिक बोलते हैं घुमंतु जो होते हैं, तो यहां पे है नॉमेडिक एलिफेंट, एलिफेंट, नॉमेडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, ये भारत और मंगोलिया के बीच में है, भारत इंडिया व मंगोलिया, मंगोलिया एशिया का ही एक देश है, मंगोलिया, जिसकी राजधानी अलान बटोर है, और ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी का मतलब है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, और ये भी कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद हम आते हैं 14वीं एक्सरसाइज पर, और जो 14th जो एक्सरसाइज है वो है स्मेलिंग फील्ड जो एक्सरसाइज है, ये हमारी तीनों सेनाओं की है, जो अपनी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज है ये, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, और इसका जो आयोजन किया गया है वो गुजरात में किया गया है, गुजरात के अंदर, ये हमारी तीनों सेनाओं की है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको 14 एक्सरसाइज के बारे में यहां पर, युद्ध अभ्यास के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 15वीं ज्वाइंट एक्सरसाइज, और वो कौन सी होगी उस पर हम आते हैं, नेक्स्ट वन इज 15वीं जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो है सिट मैक्स, देखिएगा सिट मैक्स एक्सरसाइज, और सिट मैक्स तीन देशों के बीच में है, भारत सिंगापुर और थाईलैंड, किन तीन देशों के बीच में है, भारत सिंगापुर और थाईलैंड, और ध्यान दीजिएगा इसका आयोजन भारत में ही किया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन किया गया है, और ये कैसी अभ्यास है, तो नेवी मतलब नौसेना युद्ध अभ्यास है, तीन देशों के बीच में है, सिटमैक्स अभ्यास का नाम है ये।
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट काजिंड। सोलहवीं जो एक्सरसाइज है वो है काजिंड, इंग्लिश में लिख रहा हूं काजिंड, आपको ये याद भी हो सकता है, आसान है। कजाकिस्तान और इंडिया दो देशों के बीच में है ये, कजाकिस्तान और भारत, इससे ही ये मिलकर क्या बना है काजिंड। तो काजिंड जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है काजिंड का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अभ्यास मैत्री, सत्रहवीं जो एक्सरसाइज है वो है अभ्यास मैत्री। और जो अभ्यास मैत्री एक्सरसाइज है ये भी किस तरह की है, मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, किस किस के बीच में है, भारत व थाईलैंड, थाईलैंड। और इसका जो आयोजन हुआ है वो मेघालय में हुआ है, मेघालय। और ध्यान दीजिएगा ये भी कैसे एक्सरसाइज है, ये भी थल सेना अभ्यास है। उसके बाद हम आते हैं 18वीं एक्सरसाइज पर, वो है स्ली नेक्स्ट 2019, बहुत ही आसान है याद करना, स्ली नेक्स्ट 2019। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है स्ली नेक्स्ट जो है श्रीलंका और इंडिया, ये श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत के बीच में है। लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है ये नेवी है, ध्यान रखना है नौसेना अभ्यास है ये, और इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। और ये कैसी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, नौसेना युद्ध अभ्यास है, ठीक है दोस्तों। तो 18 एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, वो आप देखिएगा। 19वीं एक्सरसाइज पे हम जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है कॉर्पेट 2019, कॉर्पेट 2019। अब ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ये दो देशों के बीच में है, भारत और थाईलैंड के बीच में, इंडिया और थाईलैंड, थाईलैंड, इन दोनों देश के बीच में ये एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज है भी कैसी, वो नेवी है, नौसेना युद्ध अभ्यास है ये, और इसका आयोजन थाईलैंड में ही किया गया है, थाईलैंड में ही इसका आयोजन किया गया है। और ये नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना युद्ध अभ्यास है इन दोनों देशों के बीच में, भारत और थाईलैंड, नाम है कॉर्पेट 2019। उसके बाद आता है युद्ध अभ्यास 2019, 20वीं एक्सरसाइज है वो है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास 2019। ये है भारत और अमेरिका के बीच में, इंडिया एंड यूएस, और थल सेना है ये, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये यूएसए में ही इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद हम आते हैं शाहीन 8 जो एक्सरसाइज का नाम है, शाहीन, आप नाम से अंदाजा लगा लिया होगा, शाहीन 8। ये एक्सरसाइज जो है वो है भारत, सॉरी भारत नहीं, अब की बार पाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, भारत और सॉरी चाइना और पाकिस्तान के बीच में है शाहीन जो है 8, 8 इसका संस्करण है इसलिए यहां पे 8 लिखा गया है। और ये ध्यान दीजिएगा एयरफोर्स एक्सरसाइज है, चीन में हुई थी, चीन में इसका आयोजन हुआ था। तो एयरफोर्स इट मींस ये कैसी है, वायु सेना अभ्यास है दोनों देशों के बीच में, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नाम है शाहीन 8। उसके बाद हम आते हैं 22वीं एक्सरसाइज पर और इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है कोंकण 2019, कोंकण, कोंकण, आपने तट जरूर सुना होगा, कोंकण तट। तो जो कोंकण 2019 है ये यूनाइटेड किंगडम, इट मींस ब्रिटेन
और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है जिसको नाम दिया गया है कोंकण। और ध्यान दीजिएगा, ये नेवी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है यूके के साथ। ये कोंकण 2019 है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमने 22 ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आने वाले दो तीन जो मैं अभी बता रहा हूं, 23, 24, 25, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 23rd जो है वो है गरुड़ 6, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। 23, इसको नाम दिया गया है गरुड़। गरुड़ एक पक्षी था, रामायण में आपने देखा हो गरुड़। तो ये जो गरुड़ है, संस्करण है 6, गरुड़ 6, ये इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। और इसका जो आयोजन हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में ही हुआ है। अब ये कैसी एक्सरसाइज है? तो गरुड़ कौन था? पक्षी था, उड़ता था, तो सीधी सी बात है एयर फोर्स एक्सरसाइज है ये। क्या कहेंगे इसे? वायुसेना अभ्यास। दोनों देशों के बीच में वायुसेना अभ्यास रहा है जिसका नाम है गरुड़। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा ही दूसरा है जिसका नाम है वरुण। ये दोनों देखो, गरुड़ और वरुण, वरुण और वरुण 2019, ये एक्सरसाइज का नाम है। अब ये भी सेम दोनों देशों के बीच में हुई है, इंडिया और फ्रांस दोनों देशों के बीच में है। लेकिन इसका जो आयोजन हुआ है वो आयोजन किया गया है गोवा और जिबूती में, गोवा और जिबूती, जिबूती। और ध्यान देना, गरुड़ और वरुण ये जो एक्सरसाइज है ये एयर फोर्स से संबंधित है, चाहे वो वरुण हो या फिर गरुड़ हो। उसके बाद हम आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, 25th, और इसको जो नाम दिया गया है वो है ओस इंडेक्स। बिल्कुल आसान है, ओस से आप समझ गए होंगे, ओस इंडेक्स अर्थात ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज 2019। ये दोनों देश के बीच में है, किस किस के बीच में हो गई? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये जॉइंट एक्सरसाइज है। और ध्यान दीजिएगा, ये इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। और ये एक हार्बर है, नेवी का सेंटर भी है यहां पर, तो ये कैसी हो जाएगी? नेवी नौसेना युद्ध अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बीते वर्ष कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। इसमें हमने देखा ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारे पास आती है वो आती है नेवी एक्सरसाइज, बाकी एयरफोर्स की अभी मैंने गरुड़ और वरुण के बारे में बताई है। तो 25 इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप रिपीट करते रहिएगा, आने वाले किसी भी कॉम्पिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और आए भी हैं बीते वर्ष ऐसे क्वेश्चंस, डिफरेंट कॉम्पिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक आपका तैयार हो चुका है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।